देखिए 24 तारीख के बाद मॉनसून सक्रिय रहा, लेकिन अब पिछले कुछ 24 आवर्स में मॉनसून की जो तेजी थी उसमें कमी जरूर आई है। और पिछले 24 घंटे में हिमाचल प्रदेश के लगभग हर जिले में बारिश हुई है, और जो हाईएस्ट रेनफॉल हुई है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में हुई है, धौलाकुआं जगह है वहाँ पे 69 मिलीमीटर बरसात रिकॉर्ड की गई है। जहाँ तक बारिश के सिलसिले की बात है, मानसून की बारिशें अभी अगले 2 दिन और कंटिन्यू करेंगी और 30 तारीख तक बारिशें ज़्यादा रहेंगी। लेकिन इन दिनों में जो ज़्यादा असर मानसून का रहेगा उसमें जो मुख्य ज़िले हैं उसमें सिरमौर, सोलन, शिमला, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, चंबा और मंडी और कुल्लू के भी कुछ एरियाज हैं जहाँ पे ज़्यादा असर होगा, इंटेंसिटी ज़्यादा होगी। बाकी जो प्रदेश के जिले हैं वहाँ भी बारिश होगी लेकिन कम होगी, उसकी गति कम होगी। और उसके बाद फिर 1 तारीख के बाद कुछ 2 से 3 दिन बारिश में कमी आएगी, लेकिन फिर से मानसून सक्रिय होने की संभावना है 4 तारीख के आसपास, क्योंकि पश्चिम विक्षोभ भी एक अप्रोच कर रहा है तो फिर से मानसून सक्रिय होगा। तो जिस तरह से शुरुआती तौर पे काफी बारिश यहाँ पर देखा जा रहा है, लगातार बारिश हो रही है, तो ऑल ओवर अगर बात करें तो इस बार बारिश ज्यादा होने की संभावना है पूरे मानसून की अगर बात करें? नहीं, पूरा मानसून में तो अभी तक इंडिकेशन ये है कि नॉर्मल के आसपास रहेगी जो बरसात रहेगी या उससे थोड़ी कम रहेगी, लेकिन ये जरूर है क्योंकि जून जून में अच्छी बारिश अभी देखने को मिली है और अभी तक की जो मानसून का जो लेवल है वो काफ़ी ठीक है, एक्सेस है, 29% ज़्यादा बारिश हुई है हिमाचल में जितनी होनी चाहिए थी आज तक, और उसमें सिर्फ एक जिला है जहाँ कम बारिश है, लाहौल और स्पीति, बाकी जिलों में सामान्य है, सामान्य से ज़्यादा बारिश अभी तक रिकॉर्ड की गई है। सर, प्रदेश के अगर सभी जिलों की बात की जाए तो सबसे ज्यादा बारिश कौन से जिला में अभी तक हुई है? देखिए, जिला सोलन में ज्यादा है और उसके बाद मंडी जिला, और आपने देखा होगा कि यहाँ पे मंडी में काफ़ी इसका असर भी पड़ा है, चाहे वो सड़कों की बात हो, चाहे लैंडस्लाइड की बात हो, चाहे फ्लैश फ्लड की बात हो, तो 2 जिले ऐसे हैं जहाँ पे एक्सेस रेनफॉल हिमाचल में पिछले 4 से 5 दिनों में हुआ है। सर, आपने बोला आने वाले दिनों में एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने वाली है, तो उसका असर कब तक रहेगा और कितना उसका असर देखने को मिल सकता है? देखिए, अभी जो मैं बता रहा हूँ कि मानसून की बारिश में गति में इंटेंसिटी में कमी जरूर आई है, लेकिन बारिशें कंटिन्यू करेंगी 2 से 3 दिन, उसके बाद कुछ कम होगी और फिर से जैसे 4 और 5 तारीख के आसपास फिर से पश्चिम विक्षोभ आ रहा है, उससे जो है इंटेंसिटी बढ़ेगी और डिस्ट्रीब्यूशन भी बढ़ेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि पूरे प्रदेश में वाइड स्प्रेड रेनफॉल आपको 4 तारीख के बाद फिर से देखने को मिलेगी और कुछ जिले ऐसे हैं जहाँ पे भारी बारिश भी हो सकती है। तो अगर आप ओवरऑल फोरकास्ट 1 वीक की भी बात करते हैं तो 1 जुलाई में भी जो है बारिश रहेगी, सिर्फ 1-2 दिन ऐसे रहेंगे जहां बारिश की गति और इंटेंसिटी कम होगी। सर, इस पर बात की जाए तो इस वर्ष मई से लेकर अभी तक लगातार बारिशों का दौर जारी है, तो अगर अभी मई से लेकर अगर जून तक अगर आंकड़ों की बात की जाए तो क्या सामान्य रही है बारिश या सामान्य से अधिक बारिश दर्ज? नहीं, देखिए, मैं मई की अगर अकेले बात करता हूँ क्योंकि मानसून से जस्ट पहले की बारिशें हैं, तो प्रदेश में रिकॉर्ड ब्रेकिंग बारिश हुई है, इतना रिकॉर्ड ब्रेकिंग, मतलब 2004 से जब से हमारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है तब से हाईएस्ट रिकॉर्ड जो है साल मई में प्रदेश में हुआ है। तो मई में भी लगातार बारिशें नहीं और जून में अभी तक का आप देख रहे हैं कि एक्सेस रेनफॉल चल रही हैं, तो इससे ज़्यादा ये हो जाता है कि जमीन में पानी ज़्यादा हो जाता है, उससे क्या हो जाता है कि अगर बारिश होगी तो सॉइल जो है वो ज़्यादा पानी लेने की कैपेसिटी में नहीं होती, तो नीचे पानी कम जाता है, तो फिर ये रन ऑफ और इस तरह की जो है घटनाएं ज़्यादा होती हैं। जून माह में आपने बात की कि जून माह में सामान्य से अधिक हुई है, कितनी जून माह में अभी तक वर्षा ज्यादा दर्ज की गई, क्योंकि और देखा जाए तो जून माह में इतनी, जैसे कि 24 तारीख को मानसून आ गया तो इतनी वर्षा देखने को नहीं मिली। देखिए, तो 29 से 30% के आसपास ज़्यादा है जितनी होनी चाहिए थी, 30% के आसपास इसमें ओवरऑल की मैं बात कर रहा हूँ। अगर उसमें मंडी जिला और कुछ और जिले की बात करते हैं तो करीब करीब 100% के आसपास भी है और 70-80% भी कई जिले हैं जिसमें, जैसे सोलन है, हमीरपुर है,
इसी तरह से बिलासपुर है, इन इन जिलों में जो है 50-60% जो है ज़्यादा मानसून हुई है जितनी होनी चाहिए थी। लेकिन अगर प्रदेश की बात करें तो 30% के आसपास जो है ज़्यादा है। कोई आंकड़ों के हिसाब से कोई रिकॉर्ड तो नहीं टूटा है पिछले गत वर्षों का? नहीं, अभी तक तो नहीं है, क्योंकि जून में भी 123 मिलीमीटर बारिश हुई है 2005 के आसपास, तो अभी रिकॉर्ड ब्रेकिंग तो नहीं है। लेकिन अभी 3 दिन और बारिश है, उसके बाद फिर हम टोटल उसका देखेंगे कि आकलन करेंगे कि कितना जून में बारिश हुआ, कोई रिकॉर्ड ब्रेकिंग है या नहीं है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।